एक 20 वर्ष का युवा जिसकी आंखों की दृष्टि चली गई, वो आज विशंबर लाल सडाना कैसे बनाए, उनका कैसा सफर रहा, क्या संघर्ष रहे और कौन उनकी प्रेरणा है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और जैसा कि आप जानते हैं हमारी कोशिश होती है हम अपने समाज से कुछ ऐसे लोगों को चुनकर लेकर आते हैं जो प्रेरणा होते हैं और वाकई प्रेरणा के लायक काम भी कर रहे होते हैं। आज मैं एक शख्सियत से आपको मिलवाने जा रही हूं। आप यकीन करेंगे कि वो एक बहुत अच्छे फुटबॉल के प्लेयर रहे हैं, वॉलीबॉल के प्लेयर रहे हैं। बचपन में उनका शौक था खिलाड़ी बनने का, पेंटिंग उनका एक बहुत ही अच्छा शौक था और इसके लिए उन्होंने एजुकेशन भी प्रॉपर ले रहे थे, लेकिन इसी बीच महज 20 वर्ष की आयु में उनकी आंखों की दृष्टि चली जाती है। अब आप सोचिए, जिस बालक की या जिस 20 वर्ष के युवा की आंखों की दृष्टि चली गई होगी उसे तो डिप्रेशन में चले जाना चाहिए था। वो तो ये सोचता कि मैं क्या करूँ और लाइफ पूरी अंधकार में हो जाती, लेकिन नहीं, उस व्यक्ति ने चुना अपने को मजबूत बनाकर, अपने को वापस अपने पैरों पर खड़े होकर और इंडस्ट्री चलाने की सोचा कि नहीं, उन्हें समाज के लिए एक ऐसा काम करना है कि जो उनके जैसे लोग हैं कहीं ना कहीं वो हतोत्साहित ना हो, उनको उत्साह के साथ दिखाना है कि कोई कमी है, ठीक है आंखें नहीं है, लेकिन जीवन को कैसे जिया जा सकता है। और इसी की एक कहानी जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आज, जो डॉक्यूमेंट्री हमारे साथ है वो है श्रीमान विशंबर लाल सडाना जी की, जो कि कोटद्वार से आते हैं और जो हमारा अविभाजित भारत था उसमें वो पाकिस्तान से थे मूल निवासी, और विभाजन होने के बाद वो भारत आए, उनका परिवार भारत आया। और उनका सफ़र कैसे शुरू हुआ, क्या क्या उनके संघर्ष रहे और दृष्टिहीन होने के बाद भी उन्होंने कैसे एक पूजा प्लास्टिक के नाम से कोटद्वार में एक इंडस्ट्री शुरू की और यहाँ पर वो पॉलीथीन बनाने का काम करते हैं। जो आपने नर्सरी में ब्लैक कलर की पॉलीथीन देखी होंगी, व्हाइट कलर की पॉलीथीन देखी होंगी पॉली पैकिंग्स के लिए। तो एक 20 वर्ष का युवा जिसकी की आंखें नहीं थी, आंखें चली गई, आंखों की दृष्टि चली गई, वो आज विशंबर लाल सडाना कैसे बनाए, उनका कैसा सफर रहा, क्या संघर्ष रहे और कौन उनकी प्रेरणा है, आइए जानते हैं उन्हीं से। मेरा जन्म अविभाजित भारत के, भारत पाकिस्तान एक ही था ना, अविभाजित भारत के कोयटा के पास जन्म हुआ था मेरा। और देश के बंटवारे के बाद फिर हम लोग पहले देहरादून आए, फिर इधर पौड़ी और फिर कोटद्वार, ऐसे ही दो तीन जगह पे रह के। तो पढ़ाई मेरी सबसे पहले देहरादून में शुरू हुई, पांचवी कक्षा तक देहरादून में, उसके बाद कक्षा छः कोटद्वार में, और 7 से 10 तक मैंने पौड़ी देवी इंटर कॉलेज से पढ़ाई की। उसके बाद मुझे चित्रकला का बहुत शौक था, तो हाई स्कूल करके मैं फिर लखनऊ में राजकीय कला व शिल्प महाविद्यालय में 5 वर्ष के चित्रकला का कोर्स करने गया मैं, और वहाँ मैं कॉलेज की फुटबॉल और वॉलीबॉल टीम से भी खेलता था और मेरिट लिस्ट में भी आता था, और चित्रकला प्रदर्शनियों में भी मुझे लगभग हर चित्रकला प्रदर्शनी में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार मिलते रहे हमेशा। उस बीच मेरी बाईं आंख कमज़ोर होने लग गई, और बाईं आंख कमज़ोर होने के कारण मेरे खेल में और पढ़ाई में दिक्कत होने लग गई। तो इधर डॉक्टरों से जांच होती रही, डॉक्टर इलाज करते रहे, उधर दूसरी आंख में भी फर्क पड़ गया। इस तरह से आधे ही पढ़ाई होकर 3rd ईयर में मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी।
उसके बाद लगातार इलाज चलते रहे, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिली। फिर लगभग 20 वर्ष की आयु में मेरी दोनों आंखों की दृष्टि खत्म हो गई। सिंस माई बर्थ यू स्टूड बाई मी, सिंस माई बर्थ यू स्टूड बाई मी, सिंस माई बर्थ यू हेल्प मी टू सी, आई वॉज शोन एवरीथिंग बाई यू बट आई वॉज अनोन डिसीविंग बाई यू। ये आंख को मैं कह रहा हूँ कि साथ दिया, पैदा हुआ, सब कुछ हुआ है ना, और सब कुछ दिखाया तुमने संसार में मुझे, लेकिन मुझे पता नहीं था तुम धोखा दे रही हो मुझे, यानी आंखों का। अच्छा, फर्स्ट यू ऑर्डर टू चूज माई एम, देन यू हेल्प मी इन पेंटिंग एंड गेम, वेन आई बिगेन टू अर्न माई नेम यू आर जेलसी थ्रू कोल्ड वाटर ऑन द एम। मतलब पहले मैंने आंखों से देखा, फिर मैंने चित्रकला और खेलकूद पसंद किया, है ना। अच्छा, जब मैं प्रोग्रेस करता रहा तो तुम्हारी जलन ने मेरे सारे सपनों पे कोल्ड वाटर, है ना। तो अच्छा, उसको हिंदी में मैंने एक वहाँ पे लेक्चरर थे नैनीताल के डिग्री कॉलेज में पौड़ी में, तो मैंने उनको सुनाया, तो उन्होंने कहा ये तो MA लिटरेचर वाले भी नहीं लिख सकते ऐसी कविता, लेकिन ये आपने नहीं लिखा, कोई प्रेरणा मिली आपको और आपके मुँह से बनती चली गई है। माँ बाप के या तो मेरी बचपन से ही डेथ हो गई थी, फिर स्टेप मदर थी उसके, तो कोई हमें वो भी नहीं है, लेकिन पौड़ी में बिजनेस था ना हमारा कपड़े का, तो मेरे फादर की डेथ होने के बाद वो छोटे भाई के हाथ में गया बिजनेस, बस वहीं से मेरे ऊपर अत्याचारों का दौर शुरू हुआ सारा। ये हुआ कि भाई ने मुझे निकाल ही दिया रात को घर से, जहाँ जाना है चला गया यहाँ से। तो उस वक्त मेरे जेब में केवल 50 रुपये थे, एक सोने की अंगूठी, 40 साल पहले की बात है। तो प्लीज़ जेंटलमैन 1 मिनट, तो मैं रुका, तो कह लगे मैं जॉइंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज हूँ, मैंने बहुत बार देखा आपको, आप रिस्ट पुष्ट हैं, हर तरीके से बढ़िया हैं, लेकिन कोई ना कोई आपको सहारा दे के चलता है, ये मैंने देखा, तो आज तक मैं समझा नहीं ऐसा क्यों। तो मैंने बताया कि सर मैं जहाँ आप मुझसे बात कर रहे हैं रोड पे, इसी के आसपास कहीं DAV इंटर कॉलेज है मेरे अंदाजे से, यहाँ ये थोड़ा आगे है, तो मैंने कहा मैं इसी में ही पढ़ता था और इसी में ही वॉलीबॉल टीम का खिलाड़ी भी था मैं कॉलेज का, और फिर मैं PT टीम का भी था, फिर मैं लखनऊ चला गया और वहाँ मेरे ऐसे मेरिट में आया, पुरस्कार मिले, पढ़ाई वगैरह, फिर उसके बाद मेरी आईसाइट वो हो गई। अच्छा, दृष्टि की प्रॉब्लम है आपकी, मैंने कहा हाँ जी नील है बस, इसीलिए जो सहारा लेके चलना पड़ता ना उसे। तो उन्होंने कहा हो आपकी तो लाइफ बड़ी अजीब सी वो हो रही है, तो ऐसा करते हैं कि सड़क पर खड़े खड़े देर हो जाएगी, तो ये पास में ही हमारा बंगला है, वहीं चलते हैं। तो फिर वो अपने बंगले पे ले गया और वहीं से उन्होंने अपनी पत्नी को बताया मेरे बारे में ना शॉर्ट से, फिर वो कहने लगे आप फिर फ्यूचर कैसे चाहते हैं आप। मेरे मुंह से निकला मैं कोई इंडस्ट्री चाहता हूँ, स्वरोजगार, तो उद्योग लगाना चाहता हूँ, मैंने वैसे बोल दिया ना उनसे। कहने बड़ी खुशी की बात है, यहाँ तो बहुत बजट आता है बेरोजगारों को रोजगार लगाने, फिर आपकी कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप ये बताइए कि देहरादून, ऋषिकेश और कोटद्वार, इन 3 जगहों में से कहाँ आप चाह रहे हैं लगाना। तो मैंने सोचा बचपन में कोटद्वार रहा हूँ मैं, देहरादून जैसे बड़ा भी नहीं है, छोटी सी जगह है ये, है ना, तो मैंने कोटद्वार कह दिया। उन्होंने कहा ठीक है आपको मैं कोटद्वार में प्लॉट दिलवा दूंगा, फिर आप तैयारी करिए, और तैयारी आपको जल्दी से जल्दी करनी, मैं अपने सामने ही निर्माण कार्य करा के फैक्ट्री का चल्ला के जैसे होती है ना बिल्कुल तसल्ली, तब मैं जाऊं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा सिलेक्शन DM बन चुका हूं मैं, अब मुझे पता नहीं कि कब मुझे आदेश आते हैं और कहाँ जाना है। इतना तो मैंने कहा सर आपने ये तो कहा, आज तो मेरे पास केवल 50 रुपये हैं, आज मैं बात कर रहा हूँ, इसी में अपने नौकर को भी खाने खिलाऊंगा, खुद भी खाऊंगा। तो कह ले फिर इंडस्ट्री के लिए तो पैसा भी चाहिए, ये भी चाहिए। मैंने तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मैं आपको लोन दिलवा दूंगा और कुछ अपना लगाना पड़ेगा तो देख लेंगे जैसे भी होगा ना। तो उन्होंने मुझे लोन भी दिलवाया और वो भी दिलवाया, लेकिन उस बीच वो DM होकर ललितपुर चले गए, लेकिन वो जहाँ जहाँ जाते थे ना हर जगह से उद्योग केंद्र को लेटर भेजते थे, DO होता ना एक लेटर, वो भेजते थे
कि उनका विशेष ध्यान रखना है और हर संभव सहायता जरूर करनी है उनकी। फिर मैं जो डॉक्टर मंजिला मेरी धर्म बहनी समझिए ना वहाँ श्रीनगर यूनिवर्सिटी में, तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उसको भी गोल्ड मेडल मिला था ना, तो वो तब हिल डेवलपमेंट कमिश्नर से उसने रिक्वेस्ट की कि भाई साहब की कंडीशन ये है, आप हिल डेवलपमेंट कमीशन है, आपकी सहायता करिए। तो उन्होंने कहा कि गुरुद्वार कभी मैं जाऊँ तो मैं मिलूँगा, नहीं तो अगर उनको दिक्कत ना हो तो पौड़ी में आता हूँ मीटिंग में। तो तब मुझे उसने मंजुला ने बुलवाया कि कल कमिश्नर साहब आ रहे हैं, आप ज़रूर जैसी भी परेशानी से आए। तो मैं वहाँ पहुँचा तो कमिश्नर साहब ने भी मेरी वो बात सुनी तो उनको भी बहुत दुख हुआ। तो फिर मैंने वो चित्रकार जो मेरे गुरु थे जो मुझे बहुत सहायता करते थे उनके नाम बताया कि अरे वो तो पद्मश्री प्राप्त वो हैं, वो थे आपके गुरुजन। मैंने कहा जी, तो कहने लगे ठीक है मैं जितने भी कोशिश हो सकती है ना मैं काम दिलवाने में आपके पूरे वो करूँगा। तो उन्होंने मुझे काम दिलवाया, बहुत बड़ा काम, इतना काम दिलवाया कि हो ही नहीं पा रहा था। सर मेरा नाम श्यामलाल जल्दी, ग्राम उमरापुरी, पोस्ट ऑफिस किशनपुरी, जिला पौड़ी गढ़वाल। मैं सन 1990 से यहाँ पूजा प्लास्टिक में हेल्पर के रूप में भर्ती हुआ था, तो मैं उसके बाद ऑपरेटर बन गया और उसके बाद मशीन चलाने लग गया। ये हमारा प्लास्टिक मशीन है, इसके अंदर हम प्लास्टिक दाना डालते हैं, प्लास्टिक दाना इसमें है नीचे, ये है प्लास्टिक दाना। अच्छा। इसके अंदर डालते हैं, उसके अंदर हीटर लगे रहते हैं। अच्छा। ये हीटर उसको पिघला के ये डई द्वारा बाहर निकलता है, इसके ऊपर डई है, डई के ऊपर से फर्मा में जाती है, उसके बाद गेज हिसाब से थैली लंबाई चौड़ाई जैसे ऑर्डर होगा वैसे बनाते हैं। उसके बाद इसमें साइज फिट करके उसकी कटिंग इसमें होती है, लंबाई 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच जैसा ऑर्डर होगा वैसे काटते हैं। ये है प्लांटेशन बैग, इसके अंदर जाते हैं और यहाँ से बाहर आते हैं ऐसे कटिंग करके। फिर मैंने बैंक ने फिर मुझे लोन दिया यहाँ, फिर कोई बैंक दे नहीं रही थी, मैं घाटे में चलता गया। फिर उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर बहुत अच्छे थे, मैंने कहा देखिए मेरे पास स्पेशल कोटा भी मुझे मिला है और इतना वो भी है, लेकिन दृष्टि न होने के कारण कोई बैंक मुझे लोन नहीं दे रही है। तो उसने कहा चलो मैं आपके काम चलाने के लिए लोन दे दूंगा आपको, उसने मुझे लोन दे दिया बैंक वो करने, तो मेरा काम चलने लग गया फिर। और उसके बाद ये हिल डेवलपमेंट से मेरा काम मिला मुझे, तो उसके लिए और पैसे चाहिए थे। फिर इधर मेरे पड़ोस में कोई फैक्ट्री थी पीवीसी वाली, तो उसने पूछा काम कैसा है, मैंने कहा काम तो मेरे पास बहुत आया हुआ लेकिन पैसा नहीं है। तो वो बैठा, उसने ऑर्डर लेटर देखे, कोटा देखे ना, तो उसने कहा मैं आपकी सहायता करूँगा, पैसा मैं भी डाल दूंगा जो आप देना चाहें। वो उसको मैंने रखा, मैंने कहा चलो, लेकिन वो क्या करता था कि मेरे एक कर्मचारी को उसने अपनी तरफ मिला दिया, तो वो मुझसे कहता था कि आप ज़्यादा टूर वगैरह पे जाते रहते हैं तो चेक काट के रख जाएं, जैसे बिजली की तनख्वाहों की कई होती है ना जैसे, तो मुँह से बोलता था ताराचंद एंड कंपनी जहाँ से मटेरियल आता था, ये मैं लिख रहा हूँ ताराचंद एंड कंपनी गाजियाबाद, 50,000 भर रहा हूँ इसमें मटेरियल के लिए। मैंने कहा ठीक है, और सिग्नेचर कह देता था, मैं कर देता। फिर मेरे वो लड़का जो उसका मिला दिया था ना अपने साथ, उसको कहता था देखो बेटा मैंने क्या लिखा, तो वो भी वही कहता था आपने लिखा ताराचंद एंड कंपनी 50,000, ठीक है ना, हाँ, तो अब मैं दस्तखत कर देता था। अब पता है लिखते कुछ नहीं थे वो ना, ब्लैंक लिख के ना, फिर मेरे बैंक में पैसे देखते थे पहले, अगर उसमें से 1-2 लाख आ गए हैं मेरे कहीं से तो ये 50,000 डाल के नहीं है ये पैसा निकाल देते थे। और एक नहीं बहुत सारे ऐसे चेक उन्होंने कैप किए मेरे, और देखो फिर उन्होंने मेरे रुपए खाते खाते बैंक मैनेजर ट्रांसफर हुआ, दूसरा बैंक मैनेजर आया, तो वो बैंक मैनेजर आया यहाँ तो उन्होंने कहा सडाने जी आपको पता नहीं है दुनिया भर के छठे हुए लफंगे हैं, ये एक पार्टनर आपका है मेन,
दूसरा उसके साथ हुआ है। तो उन्होंने मेरे ऊपर धोखाधड़ी का केस कर दिया कोर्ट में। मैंने कहा यार ये अच्छे पार्टनर रहे, पैसे भी खा गए, उल्टा मेरे ऊपर ही चोरी का आरोप लगा दिया हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, सत्य अदालत फैसला करेगी, कोई बात नहीं। सुबह 5 बजे हम घूमने जाते थे, मैं और मेरी पत्नी घूमते हुए इसी चिंता में कि कल कोर्ट में सजा सुनाई तो कैसे होगा, क्या होगा ना ऐसा। लेकिन घूमते घूमते मुझे उन्हीं के ही रिश्तेदारों के फोन आए, सडाना जी बधाई हो बधाई हो। मैंने पहचाना, उन्होंने कहा आप कौन साहब बोल रहे हैं, तो बताया उन्होंने। मैंने कहा मैंने नाम तो सुना है, बाकी मुझे पता नहीं, बधाई दे रहे हैं तो वो तो मुझे बहुत दिन पहले पुरस्कार मिला था। कह लगे कौन सा पुरस्कार मिला आपको, मैंने कहा राष्ट्रपति। कह लगे ये तो हमें पता नहीं पुरस्कार का, तो बधाई हम आपको इस बात की दे रहे हैं, बधाई पुरस्कार की तो दे ही रहे हैं, साथ में ये बधाई दे रहे हैं कि आपका वो जो दुश्मन था ना जो जलाने के सपने देख रहा था उसकी डेथ हो गई। अब जो उसी के साथ दूसरा पार्टनर भी था ना मेरे साथ, उसके बिजनेस ठप पड़ गए। आप देखिए एक नहीं दो नहीं कितने संघर्ष कितने अत्याचार झेले मैंने। आज के समय में आप अक्सर सुनते होंगे कि हमारे पहाड़ों में लड़कियां नहीं मिल रही हैं शादी के लिए, क्योंकि उनको प्रॉपर लड़के नहीं मिल रहे हैं, अच्छे आय वाले लड़के, अच्छा कमाने वाले लड़के, जिनका देहरादून में घर हो, एकाद और घर हो। तो लेकिन मैं कहती हूँ कि जैसा हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे हमेशा एक महिला होती है, और विशंबर लाल सडाना जी के पीछे भी वाकई एक महिला है, और एक ऐसी डेडिकेटेड महिला है जो केरल से हैं, जिन्होंने अपने जीवन का जो उद्देश्य है वो सेवा भाव को बनाया। जब उन्होंने विशंबर लाल सडाना जी की कहानी पढ़ी कि एक ऐसा व्यक्ति है, तो उनके मन में हुआ कि मैं इस व्यक्ति से जाकर मिलूं, और इनकी सेवा करने से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। और वो कोटद्वार में सडाना जी से मिली और एक दृष्टिहीन युवा को उन्होंने अपना जीवन साथी के रूप में चुना। तो बहुत मुझे लगता है इससे बड़ी प्रेरणा की कोई कहानी नहीं हो सकती। तो कल्याणी जी उनका नाम है, और आइए जानते हैं उन्होंने क्यों ऐसा किया और क्या उनका उद्देश्य था। मैं यूपी में सर्विस करने के लिए आई, उस टाइम से कुछ दिन बाद हम लोग दीदी की उधर से आ रहे थे, उस टाइम ये नजीबा बुक स्टॉल से किताब लिया, उसमें इनका कहानी दी, पूरा कहानी दी ऐसे ऐसे। तो हमारे मेरे विचार थी बस ये विकलांग को सही मिला तो ठीक है, नहीं तो मैं आश्रम जाऊंगी। उधर से फिर मैं लिखा पढ़ी कर करके 2 साल बाद शादी हुई सिद्धवेल मंदिर में, खुशी खुशी से 34 साल बीत गई। बस उनको कष्ट ना हो, मैं 24 घंटे ही सोचते रहते हैं ना। मुझे सबसे पहले तो सन मुझे याद नहीं आ रहा, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश शासन कानपुर ने दिया, वो था विषम परिस्थितियों में रहते हुए उत्कृष्ट संचालन के लिए, ये उसकी एक लाइन जिसके कारण मिला था सबसे पहला पुरस्कार। उसके बाद फिर मिला था भारतीय विकलांग भूषण पुरस्कार नई दिल्ली से, फिर मिलते ही चले गए, मतलब फिर उत्तर प्रदेश शासन से पुरस्कार मिला, फिर मिला 95 में गवर्नर उत्तर प्रदेश ने दिया, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन ने, फिर 99 में मिला था ये राष्ट्रीय पुरस्कार, फिर मिला 2007 में राजस्थानीय उत्तराखंड स्टेट अवार्ड उत्तराखंड, फिर मिला उद्यमता अवार्ड ये चीफ मिनिस्टर थे ना हरीश रावत, विशेष उद्यमता अवार्ड। इसके अलावा मिले हैं परमार्थ निकेतन में मेरे और मेरी पत्नी को आदर्श दंपति का पुरस्कार। अच्छा, फिर मिला हमें उत्तराखंड करनी सम्मान, उसमें भी हम दोनों को आदर्श उसका मिला। हाँ, फिर कल्याणी को मिला श्रेष्ठ नारी का पुरस्कार। अब शादी की बात क्या हुई थी कि मेरी इलाहाबाद में छपने वाली सत्य कथा, उसमें किसी राइटर ने मेरी फोटो, मेरी स्टोरी, संघर्ष, उपलब्धियाँ वगैरह, मतलब विशेष प्रेरणादायक कहानी के रूप में एक कहानी छापी थी। वो कहानी पढ़ के काफ़ी देश के काफ़ी स्टेट से लगभग 103 महिलाओं के पत्र आए मुझे, मुझसे शादी करने के 103 महिलाओं ने पत्र भेजे थे, और कुछ तो खुद मिलने भी आई। हाँ, वो मिलने वालों में मैंने, क्योंकि मेरी सच्चाई की आदत थी, कोई जीवन साथी बनना चाह रहा तो धोखा नहीं देना,
तो मैंने साफ बताया था कि मेरी फैक्ट्री लॉस में चल रही है, फैक्ट्री बेशक है लेकिन लॉस में चल रही है। तो जो शादी का मन बना के आई थी दिल्ली वगैरह से, वो फिर दोबारा नहीं आई। तो ये जो मेरी पत्नी है, ये वहाँ पे न्यू मार्केट में है ना, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शर्मा, ये वहाँ सर्विस करती थी उनके यहाँ। अब उसकी जो कमी थी उसने मुझे बता दी, मेरी कमी तो सब कुछ थी। मैंने कहा ये फैक्ट्री है बेशक लेकिन लॉस में चल रही है। तो इसने कहा मुझे फैक्ट्री से तो शादी करनी नहीं ना, मुझे तो आपसे करनी है, फिर मेरी जो भी तनख्वाह होगी उसी में काम चला लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं है। लेकिन चांस ऐसा बना कि मेरी देखभाल वाली भी आ गई और मुझे खाने भी अपनी भूख गया, मेरा होमोग्लोबिन भी कवर होना शुरू हो गया। बस तब से जो है हमारे काम चलते चलते आज मेरे पास सब कुछ है। फैक्ट्री से ऋण मुक्त हूँ, बैंक से ऋण मुक्त हूँ, मेरी कार भी है, टू व्हीलर भी है और मकान भी है, सब कुछ है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा संतोष देना है मेरे पास। एक ऐसा दंपति, मुझे लगता है एक आदर्श दंपति हमें ने कहना चाहिए, जहाँ एक दूसरे के पूरक बनकर ये जीवन को बहुत खुशी के साथ, बहुत आनंद के साथ जी रहे हैं। इनका एक छोटा सा बिजनेस है जिसको कि मुझे लगता है हमें पूर्ण सहयोग देकर, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा शक्ति के साथ इतना यहाँ तक वो अपने बिजनेस को लाए हैं, तो हमें आगे उनकी मदद करनी चाहिए। और इस तरह का जो भी बिजनेस में आप लोग सहयोग कर सकते हैं, और वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम आपका नंबर दे देंगे और आप लोग डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और जो भी बन पाए आप मदद कीजिए, खुलकर मदद करनी चाहिए हमें। ऐसे समाज के ऐसे वर्ग को वाकई हमारी सहयोग की आवश्यकता है और हमें उठाना भी चाहिए। तो इसी तरह की कहानियों के लिए, इसी तरह की डॉक्यूमेंट्रीज और स्टोरीज के लिए, ऐसे व्यक्तित्व से मिलने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें ऐसे ही देते रहिएगा। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।